जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और इस वीडियो में हम लोग GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद इस कंपनी में आज मतलब इस कंपनी के ऊपर वीडियो बन रहा है इस चैनल पर। वजह है कि देखिए GTL इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई खास अपडेट मार्केट में इन दिनों आ नहीं रहा है और जो भी इन दिनों वीडियो बन रहा है इस कंपनी के ऊपर तो वही पुराने अपडेट को लेकर घिसी पिटी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। मैं इस वीडियो में आपको सिंपल और आसान भाषा में बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कि अभी ये जो कंपनी GTL इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म में इस कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ तक जा सकता है, क्या इसका प्राइस ऊपर जाएगा या इसका प्राइस नीचे आएगा। हमें प्राइस के ऊपर और नीचे जाने से ही मतलब है एज ए इन्वेस्टर, हमें कंपनी के फ्यूचरिस्टिक प्लान जो है उसको ध्यान में रखना है। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आने वाले समय में कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यदि ये बात हमें पता रहती है तो हमें अपने लॉस को मेंटेन करने में और प्रॉफिट को बुक करने में आसानी होगी। टेक्निकल के माध्यम से बता सकता हूँ कि प्राइस आने वाले कुछ समय के अंदर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लंबी अवधि के बाद पेनी स्टॉक में करना थोड़ी सी मुझको बेमानी लगती है, तो अभी शॉर्ट टर्म में 5 महीना 6 महीना साल भर के अंदर इसमें क्या होने वाला हलचल उसके बारे में बात करेंगे। देखिए GTL इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो अभी इसका प्राइस आपको 0.75 यानी कि 1 रुपये से भी कम आपको दिखाई देगा। इसका प्राइस अभी ये चल रहा है, पिछले एक सप्ताह में बात करें तो एक सप्ताह में स्टॉक देखेंगे 12% के आसपास आपको टूटते हुए दिखाई देगा और ज़्यादातर देखेंगे तो स्टॉक आपको लोअर सर्किट में ही देखने को मिलेगा। पेनी स्टॉक में ज़्यादा आपको लोअर सर्किट लगते हुए दिखेगा। एक महीने में भी कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिला, वहीं 6 मंथ में देखें तो 6 मंथ में तकरीबन 50% स्टॉक टूट चुका है। और चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं पहले कैसे यहाँ तक तो प्राइस थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा था, लेकिन इसके बाद ये जो महीना देख रहे हैं तकरीबन यहाँ से लेकर देखेंगे तो यहाँ तक काफ़ी तेज़ी से प्राइस में नीचे आया है। अब देखिए GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो काम करती है, काम के बारे में बताएंगे और साथ में उसके बाद कंपनी के जो फंडामेंटल है मार्केट कैप और इसका जो बेसिक फंडामेंटल है उसका क्या है इसके बारे में बात होगी। लेकिन पहले टेक्निकल के माध्यम से समझते हैं कि आने वाले समय में इस कंपनी में क्या हो सकता है। 5 साल के चार्ट में देखेंगे कि ये जो एरिया है अप्रैल 2018 से प्राइस गिरना शुरू हुआ, गिरते गिरते यहाँ तक आया। दिसंबर 2019 के बाद फिर बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर देखेंगे तो तकरीबन ये जो एरिया है जुलाई 2021 का, जुलाई 2021 में इस वक्त 3 रुपये 60 पैसे का हाई लगाया। उसके बाद फिर प्राइस डाउन जाने लगा और अभी भी यहाँ पर देखेंगे तो डाउन ही जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अब एक साल के टाइम फ्रेम पर यदि उसको ओपन करते हैं इस चार्ट को तो एक साल के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे एक साल के टाइम फ्रेम पर काफ़ी वोलेटाइल दिखाई देगा। हालांकि यहाँ तक तो प्राइस देखिए एक रेंज बाउंड में चल रहा था, लेकिन इसके बाद अब क्या हुआ कि ये यहाँ से पॉइंट देखेंगे तो इसका प्राइस नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से ये चार्ट देख सकते हैं ना, ये ऐसे ज़्यादातर मतलब एक रेक्टेंगल वे में चल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें ज़्यादातर अपर सर्किट या लोअर अपर सर्किट की बातें छोड़ दीजिए क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें ज़्यादातर लोअर सर्किट ही आपको लगते हुए दिख रहा है जो मैंने शुरू में बताया। तो अभी देखिए अभी इसमें क्या हो सकता है, तो अभी भी इसका प्राइस देखेंगे तो देखेंगे डाउन ट्रेंड में ही। हालांकि आपको ये थोड़ा सा प्राइस अब यहाँ पर उठते हुए जरूर दिख रहा होगा, लेकिन ये अभी सस्टेन इसको नहीं कहेंगे क्योंकि जब तक ये प्राइस 1 रुपये के ऊपर आकर ये कुछ दिनों तक सस्टेन नहीं करता है तब तक इसमें मतलब शॉर्ट टर्म में भी तेज़ी आने के संकेत नहीं है। क्योंकि देखिए प्राइस काफ़ी नीचे आ गया, यहाँ पर इसका सपोर्ट था, ये सपोर्ट तोड़कर प्राइस फिर यहाँ पर भी कुछ सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पर प्राइस तोड़कर दो दो सपोर्ट तोड़कर प्राइस नीचे आ गया है और यहाँ पर नया एक सपोर्ट बना रहा है। तो इसलिए जब तक पहला सपोर्ट के पास आकर जो अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पर आकर कुछ दिनों तक सस्टेन नहीं करेगा यहाँ पर 1 रुपये के आसपास, तब तक इस पर शॉर्ट टर्म में तेजी आने के कोई चांसेस नहीं है चाहे फंडामेंटल कितना भी मजबूत हो जाए। मैं आपको फंडामेंटल थोड़ा सा बताया, तो देखिए GTL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बारे में तो आपको पता है कि ये बेसिकली टावर बैठाने का टावर इंस्टॉलेशन का काम करती है, जो अलग अलग कंपनियाँ होती है मोबाइल के सेक्टर में तो उसके लिए टावर बैठाने का काम करती है। अब ये तो काम की बात होगी, देखिए फंडामेंटल देखेंगे तो तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास की कंपनी, यानी कि कंपनी का मार्केट कैप तो काफ़ी बड़ा है लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी कम है और बुक वैल्यू तो माइनस में, यानी कि काफ़ी बुरी स्थिति में कंपनी यदि डूब जाती है बर्बाद हो जाती है तो जो इनके इन्वेस्टर्स उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो ROE का पता नहीं और ROCE देखेंगे तो ये भी माइनस में, यानी कि फंडामेंटल का बहुत हालत खराब है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी आपको कुछ खास बेहतर होते हुए नहीं दिखाई देगा। देखिए ये क्वार्टरली रिजल्ट है, तो यहाँ पर सेल्स की बात करते हैं, सेल्स देखिए 360 करोड़ दिसंबर में 2022 में, सितंबर 2022 में 360 करोड़, जून 2022 में 360 करोड़, इसके पहले 371 करोड़ था, यानी कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से डिक्रीज ही हुआ है प्राइस, कुछ खास बढ़ा नहीं है सेल्स इसका, बढ़ा नहीं है सेल्स, बढ़ा नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से बढ़ेगा। देखिए नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी अभी लॉस में चल रही है -400, इसके पहले वाले में थोड़ा सा कम लॉस था, उसके पहले थोड़ा सा और कम लॉस था, लेकिन अब पिछले 3 क्वार्टर से देखेंगे तो लॉस बढ़ते जा रहा है। तो फंडामेंटल इसका मजबूत नहीं हो रहा, फंडामेंटल धीरे धीरे क्या हो रहा है कंपनी का कमजोर ही हो रहा है। तो जब फंडामेंटल कमजोर हो रहा है तो शेयर प्राइस पर लंबी अवधि में तेजी आने की बात ही छोड़ दीजिए। और शॉर्ट टर्म पर जो मैंने आपको बताया कि GTL इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि इसका जो शेयर प्राइस है
₹1 के ऊपर आके सस्टेन करता है, तब हम लोग कहेंगे कि अब इसमें थोड़ी तेजी आने के चांसेस है। तो अब आपको करना क्या है, या तो आप इसमें से एग्जिट हो सकते हैं यदि आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, नहीं तो फिर इसमें प्राइस धीरे से, अब यहाँ पर जो चार्ट पर दिख रहा है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाते हुए आपको दिख रहा है, तो थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए। यदि प्राइस ₹1 के ऊपर आता है तो वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित कुछ खास बताने को है नहीं, टेक्निकल के माध्यम जो बताने वाली बातें थी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मन में कोई भी सवाल या कन्फ्यूजन है उसको हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपके पास बेस्ट डीमैट अकाउंट नहीं है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप Angel One या MStock के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।